राम प्रसाद का सिराज हमारे साथ आने वाले इलेक्शन नगर पालिका के ग्राम पंचायत के छोटी सी मुलाकात। कसरा जी, चुनाव सर पर आ रहे हैं नगर पालिका और ग्राम पंचायत के, कांग्रेस भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं है मनासा। बिल्कुल गलत बात है, कांग्रेस अच्छे प्लेटफॉर्म पे है। आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। आज राजस्थान में हम जीते हैं, हिमाचल में जीते हैं, वहाँ पर सरकारें हैं राजस्थान में कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में कांग्रेस, हिमाचल में कहाँ है। तो क्या लग रहा है चुनाव में? मेरा ये कहना है कि नगर पालिका और जनपद के चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और जीत का परचम लहराएगी। किस आधार पर कह रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस अच्छे मतों से जीतेगी? क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। आज महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और महंगाई को देखते हुए अब लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं। महंगाई मुद्दा नहीं होता है, आपने पिछले चुनाव में तो विकास भी नहीं हो रहा ना, विकास भी नहीं हो रहा है। विकास भी आज जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी विधानसभा चुनाव में, एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। विकास भी कोई मुद्दा नहीं होता है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं होता है, ये मुद्दे आपने उठाए थे पिछली बार चुनाव में। क्या हुआ, आप हार गए? ऐसा कुछ नहीं है, हारे हैं ना। आज महंगाई की मार बहुत बड़ी पड़ रही है, गरीब और मध्यम वर्ग की परिवार बहुत परेशान है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज स्थिति बिगड़ रही है, 300 रुपये मजदूरी मिल रही है मजदूर को। तो इस तरह से आज मतलब मैंने भारतीय जनता पार्टी को अब लोग उब गए उससे। पर ये नहीं मानते हो कि कांग्रेस से भी जनता उब गई? नहीं, कांग्रेस को वापस पसंद कर रहे हैं लोग, कांग्रेस को जनता पसंद नहीं कर रही। अभी 29 जो चुनाव हुए हैं उनमें आधे से ज्यादा में कांग्रेस के पक्ष में चला है या कांग्रेस के सपोर्टर पार्टियां उसमें जीती है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पिछड़ा हुआ लगता है ना। अरे वहां पे भी अंतर कम हुआ है, खंडवा में जहाँ 4 लाख से हारे थे आज 81,000। देखिए जीत होती है, हार जीत कम ज्यादा मतलब नहीं, परसेंटेज में आप बढ़े। ग्राफ गिरा है भाजपा का, ग्राफ गिरा है भाजपा का, आप जीत नहीं पाए। अरे जीत नहीं पाए तो टक्कर तो दिए ना, आमने सामना मुकाबला तो है ना, मजबूत मुकाबला तो है ना कांग्रेस से। आप मनासा में तो बहुत कमजोर है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजबूत है। पिछली विधानसभा 25,000 से हारे हैं आप। अरे विधानसभा की उस वक्त की बात छोड़ो, आज हम मजबूत हैं, मजबूती के साथ हम बात कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस नगर पालिका भी जीतेगी और पंचायतें भी जीतेगी। ये डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूँ। आप कसरा जी, आप बता रहे हैं कांग्रेस चुनाव जीतेगी, आपका कहना सच है, मगर कांग्रेस तो कमजोर है ना सर, कांग्रेस के साथ कार्यकर्ता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस के पास बहुत बड़ी फौज है हमारे पास कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता है हमारे पास क्या, मुझे बताइए आप कहाँ हमारे पास। आपके कार्यक्रम में कहीं भीड़ नजर नहीं आती? नहीं नहीं, गलत बात है। अभी जो धरना दिया था बिजली कंपनी के खिलाफ, बिजली के बिलों में भारी कांग्रेस डिवाइड है पूरी तरह से। अरे डिवाइड है तो सब एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। फिर भी आप हार जाते हो? फिर भी हार जाते हो? विधानसभा हारे हो ना, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, क्या हुआ? विधानसभा में थोड़ा अंतर यह आया कि बाहरी प्रत्याशी और घरेलू प्रत्याशी के बीच में ये चला और इन्होंने जो है दुरुपयोग किया भाजपा के लोगों ने। बाहरी और घरेलू क्या करते हैं? पिछले बार नरेंद्र जी बाहर के थे, कैलाश चावला बाहर के थे, वो चुनाव जीते हैं यहाँ से? नहीं, नरेंद्र नाडा तो वो मनासा के ही है, क्योंकि कैलाश चावला तो मनासा के नहीं थे, वो मंदसौर के थे, वो चुनाव जीते हैं। ये बाहरी और लोकल, इसका तो प्रभाव इलेक्शन में नहीं आता। मैं मानता हूँ कहा थोड़ा संगठन हमारा कमजोर है। कैसे रहा लेकिन आपका संगठन कमजोर कैसे हुआ आपका, आप ही लोगों ने किया? हमने कहा किया, वो तो मतलब है ना, आज मान लो कार्यकर्ताओं को आप संभाल नहीं पाए। कार्यकर्ता हमारे पास पूरी टीम मजबूत है और हम बिल्कुल इस बार इलेक्शन जीतेंगे, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं और भारी मतों से जीतेंगे। राम प्रसाद कसरा किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहेगा इलेक्शन? कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे रहेगा और जनता के प्लेटफॉर्म पे रहेगा। इलेक्शन फाइट करेंगे, परिवार से कोई इलेक्शन लड़ेगा इस बार? देखिए मनासा में, मनासा की दिशा और दशा एक कसेरा परिवार ने बदली है। लोग डिवाइडर में नहीं समझते थे तो लोग आज डिवाइडर का नाम लेके बात करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे भी डिवाइडर बनना चाहिए, वहाँ पे भी डिवाइडर बनना चाहिए। और आज मनासा में जो भी आप विकास देख रहे हो,
ये सब कांग्रेस नगर पालिका की देन है, राम प्रसाद दसरा की देन। कोई उपलब्धि आपकी ऐसी है जो गिना सकते हो पब्लिक को? बहुत उपलब्धियां, एक नहीं हजारों उपलब्धियां। क्या काम किया आपने मुझे बताइए, क्या काम किया? गरीबों के कूपन गरीबी रेखा के बनाए, काट काट के वो कूपन बिल्कुल 100-200 रुपए लाके छोड़ दिए। जब 2000 कूपन हमने बनाए थे तो गरीबों के खिलाफ इन्होंने काम किया। पेंशनें काटी गरीबों की, गरीबों का राशन खाया, राशन काटा। तो जो गरीबों को जो सुविधा मिलने वाली चाहिए थी वो इन लोगों ने नहीं दी। राम प्रसाद तो सर ने दी, हमारे वक्त दी, हमने दी, ये सबको दी है। राम प्रसाद तो सर, राम प्रसाद कसेरा ने नहीं, हमारी नगर पालिका जब थी कांग्रेस की, किसकी? कांग्रेस की थी। अध्यक्ष कौन था? मैं था। आप थे? हाँ। तो राम प्रसाद कसेरा ने दी। तो हमने दी ना, बोल तो राम प्रसाद कसेरा इतना पीछे कैसे हो गया कांग्रेस में, कहाँ हो गया वो ऊर्जा? नहीं है राम प्रसाद? अरे नहीं, आज भी हम बराबरी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हर बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं की हो, विकास की। लेकिन पिछले जो 15 साल और ये जो भी वर्तमान में जो भी चल रहे हैं विधायक महोदय के 5 साल, इसमें मेरे को आप कोई भी एक काम बता दीजिए कि एक विकास हुआ। इनके घोषणा फार्म को देख ले आप, कोई भी काम नहीं हुआ। नहीं, वो हम बात करेंगे उनसे, उनके विकास की हम बात करेंगे। पर कांग्रेस मनासा विधानसभा में टूटी हुई है, बिखरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एकजुट हो जाएंगे और जीतेंगे। आप जीतने का दावा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल जीतेंगे, हम बकायदा जीतेंगे। क्या देखो, हर पार्टी का उम्मीदवार कहता है हम जीतेंगे, हर पार्टी कार्यकर्ता हम जीतेंगे, मगर आप तो जीत ही नहीं पाते ना सर। ऐसा कुछ नहीं है, इस बार दिखा देख लीजिएगा आप, भारी मतों से नहीं जीता। तो वर्तमान में भाजपा अच्छा काम कर रही है, भाजपा के एमएलए अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा के सांसद अच्छा काम कर रहे हैं, जितना विकास इन सालों में हुआ है आपकी पार्टी ने कभी नहीं। सब खुद का विकास कर रहे हैं, तो जनता में क्या विकास हुआ? ये बात तो राम प्रसाद कसेरा कहता है, पब्लिक कहाँ हुआ विकास? कौन सा एक बताओ मेरे को विकास, एक, एक, एक नाम बताइए आप विकास में क्या हुआ विकास? इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। विधायक जी ने कहा था कि वृंदावन गार्डन में पिछले साल लोग पिकनिक मनाने आ जाएंगे, ये बारिश निकल गई, सावन महीना निकल गया। ये सवाल पूछेंगे मुझसे। इन्होंने स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया, अर्चना चिटनिस और दुनिया भर के नेता को बुलाया वहां पे, शिलान्यास किया था उसने, शिलान्यास। स्विमिंग पूल का काम चालू हुआ? नहीं हुआ। वृंदावन गार्डन को उजाड़ गार्डन कर दिया और बेफिजूल के तालाब गहरीकरण की योजनाएं लाई और वो काम भी नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, धरातल पे काम करना पड़ता है, जनता सब जानती है। जनता सब कुछ जानती है, तो इस बार राम प्रसाद कसेरा का डंका बजेगा चुनाव में? चुनाव में बिल्कुल कसेरा परिवार तन मन धन के साथ हमारे सारे उम्मीदवारों को जिताएगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। और अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें कसेरा परिवार से कोई आएगा? पार्टी तय करेगी, जो पार्टी सोचेगी, अगर पार्टी को जो उपयुक्त उम्मीदवार मिलेगा वो बताएंगे, पार्टी जो तय करेगी उसमें मंजूर है हमको। लड़ने का प्लान तो पूरा बना लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मुझे याद है नो कांग्रेस के पार्षद हुआ करते थे और एक वोट से मैंने हार देखी है। मैं अध्यक्ष पद का चुनाव एक वोट से हारा हूँ नो कांग्रेस के पास। उसके बाद भी हम निराश नहीं है, आज भी हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, तैयार रहेंगे और आगे भी रहेंगे। जी जी जी। कसरा जी, एक बार आपको सुंदरलाल पटवारी ने याद किया था 1998-99 में, क्या आपको पार्टी में लेना चाह रहे थे उस समय? ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने एक तो बात पुरानी हो गई, पटवा साहब भी नहीं रहे, याद तो उन्होंने कहा था कि अच्छे लोग आप आगे आओ पार्टी को, और आप मतलब मैंने क्षेत्र के विकास को मजबूत करें, अच्छे लोग आगे आए, ये उनका कहना था। अच्छे लोग आगे आए मतलब क्या, वो पार्टी में आपको लेना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने वो चाहते थे कि जो जो भी अच्छे लोग है वो आगे बढ़े क्या, और क्षेत्र का विकास करें। तो विपक्ष आपको इतना लाइक करता है और आप ही के पार्टी के लोग आपको पीछे धक्का दे देते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सारे जो लोग है, हमारे सारे नेता हमारी बहुत इज्जत करते हैं, सब हमारा कहना मानते हैं, हमारी सुनते हैं। नरेंद्र जी की नाप की नहीं बनती है? ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे नेता है। मंगेश जी की और आपकी नहीं बनती है? वो भी हमारे नेता है, हमारे मार्गदर्शक है। उमराव जी से कभी बनती है कभी नहीं बनती है? वो भी हमारे नेता और हमारे मार्गदर्शक है।
फिर भी आप हार जाते हो, सब नेता तो हार क्यों रहे हो? फिर चुनाव जीतो ना, एक तो जीत के दिखा दो। अरे बिल्कुल, हम आपको मैं बता रहा हूं ना, भारी मतों से जीतेंगे इस बार सारे इलेक्शन, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और बन रहा है, और जनता जो है उब चुकी है। मिलेंगे अगली बार फिर हम आपसे। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई दीपावली की आपको। ओके, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।